कर लेंगे, अब हम नहीं बिगड़ेंगे। जो भी हुआ वो मेरा पास्ट था, अभी प्रेजेंट और फ्यूचर आपके हाथ में। अभी आप जैसा बनना चाहोगे वैसा बन सकते हो। जब हम क्लास करते थे आप हम बता दें हम अच्छे स्टूडेंट नहीं थे, हम बहुत सुनते थे। और कुछ लोग को तो अगर अभी पता चल गया ना ये टीचर है और कॉलेज पढ़ाता है, वो लोग बैक पार करके बोलेंगे वो पढ़ ही नहीं सकता है। आप पहले क्या हुए वो फेल पास उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपका डिसीजन आपको लेना होगा आपको लाइफ में करना क्या है, और ये जल्दी नहीं पता चलता है। उसके लिए आपको इंटरनली कितना आप सही हो सकते हो, कितना साफ सोच सकते हो, तब आपको वो फील्ड पता चलेगा जहां आप एक्चुअली में एक्सेल करोगे, आगे जाओ। कोशिश करना है कि साफ रहने का जितना पॉसिबल हो सके। थोड़ा बहुत तो होते ही रहता है, गड़बड़ होता है, हम भी करते हैं, पर पछतावा नहीं होना चाहिए। पछतावा नहीं होगा तो आप फिर इंसान नहीं, गलत करते हो पछताओ, उसको सही करने का पूरा कोशिश कर। अब जब हम क्लास में जाएंगे तो आप पार्ट थ्री नहीं रहेंगे, पार्ट थ्री के कोई बच्चे नहीं दिखेंगे आपका। हम एग्जाम्पल देंगे सेमेस्टर वन और खास कर सेमेस्टर थ्री को, सेमेस्टर थ्री को तो इतना हम डांटते हैं। आपका एग्जाम्पल देंगे कि सीखो उन लोगों से, उन लोगों को एग्जाम के लिए हम छोड़ देंगे, आ जाएंगे वो लोग एग्जाम दे रहे होंगे, उनको एक बार हम बोलेंगे चीटिंग मत करना, वो नहीं करेंगे। और बहुत बार आप चल भी जाते हैं क्लास में, तो उनसे आप सीखिए, पार्ट थ्री के बच्चों से सीखिए डिसिप्लिन क्या होता है, कि कैसे बिहेव किया जाता है। और लास्ट में हम तो यही बोलना चाहेंगे कि आप अपने लाइफ के रचयिता खुद, कोई और डिसाइड नहीं करता आपके लाइफ का। आप जो अपना मानते हो वही आप बनते हो। अपना बिलीफ को स्ट्रांग रखना, विश्वास को मत डगमगाने देना, कभी कभी डगमगा जाता है, पर अपने उसूलों पे रहना, गलत मत सोचना, सोचो भी तो करना मत, डरना, गलत करने से डरना है आप। गलत एक बार करोगे वो लालच होता है, बार बार करोगे आप, और आपको फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। भगवान करे आपको वो सब मिले जो आप चाहें, पर चाहना अच्छा, गलत नहीं चाहना आपको, नियत सही रखना है अपना, और आप सबको सब मिलेगा। थैंक यू।